लाइव में गई थी तो मुझे बहुत से कमेंट आए थे कि आपने रूटीन बतानी है अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग या जो भी हमारी रहती है शाम तक खाना बनाने तक की जैसी भी। तो रूटीन तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, लेकिन आजकल काफ़ी ऐश है। रौनक के पापा और रौनक उठ गए हैं, सुबह के ना पूरे 10 बजे उठती हूँ आजकल। वैसे उठ तो मैं जल्दी जाती हूँ, लेकिन फिर ठंड इतनी होती है और काम ज़्यादातर करती नहीं हूँ। लेकिन ये है कि धीरे धीरे अब कोशिश भी कर रही हूँ। बिस्तर पर ही मैंने सर्वाइकल वाली वो एक्सरसाइज कर दी। खैर मैंने टाइम तो भी नहीं देखा था, पर इतना ही देखा कि रौनक और रौनक के पापा चले गए हैं, और फटाफट से फिर अपनी सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज डन करके खुद बाहर आ गई। तो देखा 10:15 हो गए थे। और रौनक तो उठ भी गया है, पर डैडी जी ने बाहर हमाम जला दिया है। हमाम के पानी से नहाते से खुश्की नहीं होती, और मेरे लिए पानी अंदर रख दिया है डैडी जी ने, तो ये बड़े मज़े वाली बात हो गई है। पानी गर्म है ठंडा है वो देख लेती हूँ, क्योंकि आधी बाल्टी थी ना, पर ये बहुत गर्म है, इसमें पानी डालूंगी। और फटाफट से अपने कपड़े ब्रश वगैरह ले आई, फेस वॉश नहा लेती हूँ, और नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मुझे पट्टी करनी है अपने हाथ की। तो वो यहीं सामने ही पास चले जाती हूँ, और यहीं पे ही आ गए थे मामा जी बिल्कुल बिल्कुल। नारंगिया, तो नारंगिया लाए थे वो। सुबह उठ के पानी तो पिया नहीं था आज, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठी थी, थोड़ा नहीं बहुत लेट उठी थी। अब कमेंट आएंगे हैं इतनी लेट उठती है, तो आजकल थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और ये रस्ती रस्ती के लिए भी बोला था लाइव में, रस्ती कहाँ, रस्ती ना धूप में मज़े से सोया रहता है। रस्ती आजकल ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में बहुत बिगड़ गया था, आजकल ठीक है, अब अच्छा हो गया था ना मुझे। तो आजकल तो मेरा डे का रूटीन ऐसा ही है, बस ये फोल्ड किए हैं। अभी किचन में जाऊंगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी, और साथ में आज पट्टी भी करूंगी। रौनक के पापा मेरे उठने से पहले ही भाग गए, किसी ने मुझे उठाया नहीं। कमरे में पर्दे लगे हुए थे, तो ये डार्क है, इसमें देखो थोड़ी सी दिखती है सनलाइट बाहर से, तो पता भी नहीं चला। रौनक भी उठा, नहा वहा दिया। मम्मी ने क्या किया है, मम्मी ने खाना वाना और झाड़ू वाड़ू वही करते हैं। बाकी कपड़े वो देखो मेरे इधर इसके पीछे, जिस दिन से मेरी उंगली में लगी है मैंने सारे कपड़े यहाँ इकट्ठे करके रखे हैं, जो भी यूज़ होते जा रहे हैं। मैं क्या करूँगी, एक दिन में थोड़ा सा मेरा ये ठीक हो जाए, अभी जख्म नहीं है उतना ठीक, तो मैं दोबारा से मशीन में डाल के धो लूंगी। मैं निकालती जाऊंगी, थोड़ा सा तैयार व्यार होती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, हॉस्पिटल से आके मिलती हूँ। अब मैं सीधे ही चल पड़ी थी हॉस्पिटल। ये तो भूल ही गई कि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। और अभी टाइम कितना हुआ है, 11 बजे। मैं चाय पीऊँगी नहा के रेडी होके। ये जो करेले हैं ये मम्मी बना रहे हैं अभी, शाम की मैंने बनाए हैं। जैसे सारे तैयारी करके देते हैं ना, तो तड़का वगैरह लग जाता है। चावल भी मैं बना देती हूँ उल्टे उल्टे हाथ से, थोड़े थोड़े काम में कर लेती हूँ। बस कपड़े नहीं धुलते हैं हाथ से, और जैसे बर्तन वगैरह धोना नहीं होता है इस वाले हाथ से, उल्टे हाथ से कर रही हूँ सारा, इससे तो अभी नहीं होगा। मैं फटाफट से चाय पीऊँगी, मटर पनीर खाऊंगी, और फिर चल पड़ते हैं हॉस्पिटल। हे भगवान, मलाई चलेगी सारी। ये है वर्ल्ड का बेस्ट खाना, मेरा फेवरेट है, मटर पनीर, चाय, रोटी, थोड़ी सी हरी मिर्च। ये नारंगिया हमारे अपने लिए ही नहीं है, सबके लिए है, जो भी जैसे मम्मी पापा मंजू संजू दीदी दीदी मेरी दीदी वगैरह सब मिल बांट के खाएंगे। और सामने देखो मेरा घर दिख रहा है हॉस्पिटल से। सकल पदार्थ सब जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। मेरा कर्म है बोलते ये वाला, ये भी मेरा कर्म है दादू, कर्म है ये भी। मार सके तो मार ले, राम नाम जिटू लूट, आके न पछताएंगे, प्राण जाए जब छूट। दादू है मेरे, इनके पास बैठी हूँ, अब धूप में काम धाम तो कुछ है नहीं है। तो मुझ मैंने बोला दादू मेरी अंगूठी में ऐसे ऐसे हो गया, मैं इनको पता था, फिर बोलते कर्म है, बोलते कर्म, सब कर्म का वो है लिखा जो कर्म है। हाँ जी, जो होना है वो कर्म अनुसार होना।
कुछ भी बोलो आप, सर्दियों में हम लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कपड़े धोने की, क्योंकि कपड़े एक ही आदमी के इतने होते हैं ना, जैकेट से लेके मतलब कि 2 बाल्टियां तो एक इंसान के कपड़ों की ही भर जाती है। फिर मम्मी क्या करते हैं कि उनको मशीन में कपड़े धोने पे ना ही उनको विश्वास है ना ही उनको अच्छे लगते हैं। जैसे बोलती हूँ कि रहने दो इकट्ठे मैं धो दूंगी, पर वो धो लेते हैं साथ साथ में ही, जैसे जो भी नहाते जाते हैं धोते जाते। पर मैंने क्या किया था, मैं नहा रही थी तो इकट्ठे करके रखे थे, तो ऐसे में भी अभी चलो इतने दिन भी हो गए हैं अच्छे भी नहीं लग रहे थे सच में। जब 1-2 बार के तो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो बुरे लगते हैं। तो हमाम तो चला ही था, गर्म पानी साथ में था, तो गर्म पानी तो हमको डालना ही पड़ता है शुरू के लिए, तो थोड़ा सील गर्म सा हो जाता है क्योंकि पानी इतना है ना बर्फ जैसा, इसमें तो सर्फ डालेंगे ना घुलेगा भी नहीं। तो उसके लिए मैंने ये डाल दिया था गर्म पानी, और साथ साथ में सारे लगे हाथ कपड़े भी धो लिए। ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, ये है कि चलो इस तरह से यहाँ फर्श भी अच्छा साफ हो जाता है। पता नहीं मुझे धूप में कपड़े धोने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इधर कपड़े धो रहे हैं और इधर रहने रौनक के लिए ना, लेस के लिए मना करते ना रहने, लेस कहाँ छुपा के रखे रौनक के लिए, ताकि जब घर में मैं ना हूँ तो आराम से खा ले रौनक। ये है पकड़ी गई यार चोरी, यहाँ पे छुपाए जाते हैं। रौनक ने छुपाए थे कि आपने छुपाए थे ये? आज मेरे लगभग 6 दिन बाद कपड़े सारे धुल गए हैं, फर्श भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया, मशीन अभी यहीं रखेंगे हम बाहर। अंदर जाती हूँ, थक सी गई हूँ और पट्टी में अपने साथ लेके आई हूँ। इसमें बहुत से कमेंट ऐसे भी थे कि आपकी उंगली कटी कैसे, तो मेरी उंगली पता कैसे कटी, ऐसे जो ये है ना ये बहुत फोर्स में जाता है ये वाला डोर, मैं इसमें यहाँ सहारा दे देती हूँ। उस दिन थोड़ा सा अंदाज़ा ठीक नहीं रहा, यहाँ से कुछ इस तरह से एक अंगूठी इसमें ही आ गई और मैं ज़ोर से खींच दी, वो डोर से हुआ है ये, जैसे दरात दराती है ऐसे और चीज़ों से नहीं हुआ है। तो इसमें पट्टी पता क्या लाई हूँ मैं, हॉस्पिटल में आज नर्स की छुट्टी थी, फिर मैंने बोला कि अब मैं आज के दिन खुद ही देखती हूँ ज़रा करके, और वैसे वो तो कर देते हैं ना वहाँ, कोई ना कोई तो हो ही जाता है। फिर मैं अभी जख्म थोड़ा हल्का सा ठीक भी है, अभी दिखाती हूँ आपको, अभी पट्टी करती हूँ। आज थोड़ा सा काम भी कर दिया इतने दिनों के बाद। कल की नौर में बहुत ज़्यादा बारिश बर्फ हुई कल्पा सांगला साइड, तो उसकी वजह से ना इधर भी पानी है सारा ठंडा बिल्कुल, हमारे तो भी खुश्की ही है, बारिश नहीं हुई, हल्की सी गीली भी हो गई है। जैसे मैं गई थी ना तो इसकी पट्टी नहीं हुई वहाँ पे, चलो कोई ना वो तो कर देते, मैंने खुद ही बोला कि चलो मैं खुद ही कर लूँगी। किसी को ना वो भी हो जाती है अजीब सी देखने से, चिपक गई है ये पट्टी आज भी बस, ये देखो मैं इसको थोड़ी देर खुला रखूंगी ओपन, और इसके ऊपर पता क्या करूंगी, जो हाय हाय दर्द हो रही है, जो मेरी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना सर्जरी जो तब लगाने को मिली थी ना, ये देखो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, जख्म मेरे जल्दी ठीक हो जाते हैं, साइड से काफ़ी अच्छा हो गया है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है अब। इसमें मैं क्या करूँगी, आज सर्जरी के बाद मिलता है एक लगाने को हमारे को दवाई, वो लगा के फिर बेटाडीन लगा के फिर पट्टी कर दूंगी, डन हो गई। ये मैं कल करूंगी, खुद से ही करूंगी अब, क्योंकि अब काफी ऐसा अजीब सा नहीं है देखने को। बस ये है मेरी आजकल की रूटीन, सुबह उठती हूँ, आज वो भी कपड़े धोए, थोड़ा थोड़ा सेलने का सोच रही थी, फिर देखा कि अभी इसमें जख्म है कहीं, इसमें जोर से जैसे लग गई तो सिलना रहने देती हूँ, सिलना मेरा कहीं नहीं जाएगा, काम वाम होते रहेंगे। थोड़ी देर अब हीटर सेकती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ। रौनक के मसाज पहुँच गए? नहीं तो कहाँ है, तो गुस्सा क्यों आया है? क्या करना फिर, मैं एक हाथ से इसकी मसाज कर रही हूँ। आजा किधर, अकी आजा आजा बे, थोड़ी थोड़ी करती हूँ यहाँ, रौनक किधर मुड़ दो, यहाँ कुछ है। तो ऐसे ऐसे मजे हो रहे हैं आजकल,
खुश्क खुश्क सी ठंड पड़ी हुई है। बाकी व्लॉग का एंड कर दूंगी, मिलूंगी एक नए से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बाय।